नमस्कार। हमारी अब तक की चर्चा असंतत, मुख्य रूप से असंतत समष्टियों पर केंद्रित रही है, जहां हमारा यादृच्छिक परीक्षण एक असंतत प्रतिदर्श समष्टि को उत्पन्न, हमारा यादृच्छिक परीक्षण एक असंतत प्रतिदर्श समष्टि को उत्पन्न करता है। इस प्रतिदर्श समष्टि के उपसमुच्चय अर्थात इसकी घटनाएं भी असंतत हैं। इस प्रतिदर्श समष्टि का घटना समष्टि इस प्रतिदर्श समष्टि का घात समष्टि ही है, एवं इस प्रतिदर्श समष्टि इस यादृच्छिक परीक्षण द्वारा जनित यादृच्छिक चर भी केवल असंतत मान ही धारण कर सकते हैं। इन्हें असंतत यादृच्छिक चर अथवा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, असंतत यादृच्छिक चर अथवा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स कहा जाता है। यहाँ हमारे जनक यादृच्छिक परीक्षण कुछ इस प्रकार होते थे। सिक्का उछालना, पासा फेंकना, हांडी में गेंदे निकालना, अथवा कुछ विशेष ताश गड्डी से पत्ते उठाना। यह आवश्यक है कि यह सभी परीक्षण यादृच्छिक ही हैं, एवं प्रायिकता को समझने के लिए इन सभी परीक्षणों को जानना आवश्यक है। किंतु इन्हें समझना यादृच्छिक परीक्षणों को एवं यादृच्छिकता प्रायिकता को पूर्ण रूप से समझने में सहायक हो सकता है, किंतु यही यादृच्छिकता एवं प्रायिकता नहीं है। हमारे पास, जैसा कि हमने इस कोर्स के शुरू में कहा था, कई अन्य यादृच्छिक परीक्षण हो सकते हैं, कई अन्य ऐसे परीक्षण हो सकते हैं जिनका परिणाम यादृच्छिक हो। जिस प्रकार, जैसा हमने पहले कहा था, यदि हमने एक बल्ब लगाया है तब उस बल्ब का जीवन काल यादृच्छिक होगा। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि एक ट्रांजिस्टर, एक डायोड, इनका जीवन काल भी यादृच्छिक होगा। किसी भी जीव का जीवन काल भी एक यादृच्छिक परीक्षण ही है, किंतु यह सब असंतत यादृच्छिक परीक्षण नहीं है। किंतु किसी भी वस्तु अथवा जीव का जीवन काल एक असंतत चर नहीं, जीवन काल समय संतत है, क्योंकि किसी भी वस्तु के अथवा किसी भी जीव के जीवन काल को हम समय के रूप में मापते हैं। कुछ सेकंड में मापेंगे, सेकंड से भी माइक्रो सेकंड तक जा सकते हैं, दिनों में मापेंगे, वह सब असंतत नहीं है, वह सब संतत है। दिन असंतत हो सकते हैं, सेकंड असंतत हो सकते हैं, किंतु समय संतत है, और हम जीवन काल को इस प्रकार से नापेंगे। अथवा यह सब किसी घटना के घटित होने का समय, वह कब घटित हुई, वह भी संतत है। सो यह सब
असंतत यादृच्छिक चरों द्वारा समझना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए हमें मुख्य रूप से यादृच्छिकता में संतता को समझना होगा। हमें यादृच्छिकता में संतत्ता को समझना होगा। इसे समझने के लिए जो हमारा मूल जनक यादृच्छिक परीक्षण है, जो हमारे मूल जनक यादृच्छिक परीक्षण है, जैसे मैंने पहले कहा पांसा फेंकना, सिक्का छालना आदि, यह सभी असंतत परीक्षण है। तत्स्वरूप हमें संतत यादृच्छिक चरों को, संतत प्रतिदर्श समष्टियों को, संतत यादृच्छिकता को समझने के लिए एक ऐसा परीक्षण चाहिए जिसके परिणाम एक संतत दर्श समष्टि के अवयव हो। हमने इस कोर्स के आरंभ में संतत एवं असंतत प्रतिदर्श समष्टियों को परिभाषित किया था। हम कुछ समय में वह परिभाषा दोबारा देंगे, किंतु अब संतत प्रतिदर्श समष्टियों, संतत यादृच्छिक चरों को समझने के लिए हमें एक ऐसा परीक्षण चाहिए जिसके परिणाम भी संतत हों। अब हम एक ऐसे परीक्षण का उदाहरण देंगे। मान लीजिए मेरे पास यह एक चक्र है, यह चक्र गोल है, मेरे बनाने में गलत त्रुटि है, उसे क्षमा करिए, एवं इस चक्र पर यह एक चक्र है, यह एक सुई है, सुई का फल एक बिंदु है, यह एक सुई है जिसका फल एक बिंदु है, कुछ इस प्रकार। अर्थात समय फल इस चक्र एक बिंदु पर सुई का फल इस चक्र की सीमा के किसी एक बिंदु पर ही होगा। अर्थात अब यदि मैं यह कहूं कि जहां यह सुई इस समय है, अर्थात इस बिंदु को एक प्रकार का आधार लेकर चलते हैं कि जो कुछ होगा इस बिंदु के सापेक्ष ही होगा, या हम जो भी माप लेंगे, जो भी करेंगे, इस बिंदु के सापेक्ष ही करेंगे, एवं इसे हम प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। एवं इस बिंदु को हम माप शून्य दे देते हैं। अब हम माप शून्य पर स्थित इस सुई को घुमाएंगे। माप शून्य पर स्थित इस सुई को हम घुमाते हैं। अब माप शून्य पर स्थित इस सुई को घुमाने पर हम यह जानते हैं कि इस प्रकार का परीक्षण भी यादृच्छिक ही होता है। सुई को घुमाने पर, सुई के रुकने से पूर्व, अब सुई के
रुकने के पूर्व यह जानना संभव नहीं है सुई कहाँ रुकेगी। सुई के रुकने के पूर्व यह जानना संभव नहीं है कि सुई कहाँ रुकेगी। तत्स्वरूप यह परीक्षण यादृच्छिक है। हमने यह सिद्ध कर दिया कि यह परीक्षण यादृच्छिक है। अब हम इस परीक्षण के परिणाम को देखेंगे, अथवा हम यह कहते हैं बिंदु से उस सुई के रुकने के स्थान, प्रारंभिक बिंदु से उस सुई के रुकने के स्थान जिसे हम यहाँ अंतिम बिंदु कहेंगे कि सुई ने आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच में कितना कोण बनाया, इस यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम रूप में प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच का कोण। अर्थात यदि हमने इसे घुमाया एवं यह अब यह इस स्थान पर भी रुक सकता है तो यह कोण अथवा यह कोण हमारे यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम हो सकते हैं। यह हमारे यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम हो सकते हैं। अर्थात इस परीक्षण परिणाम यादृच्छिक रूप से शून्य से 2π अथवा -π से π के बीच कोई भी मान धारण कर सकता है। सरल रूप से हम यह देख सकते हैं कि इस परीक्षण का परिणाम शून्य से 2π अथवा -π से π के बीच कोई भी परिणाम धारण कर सकता है। हम सरलता के लिए आगे की चर्चा में केवल शून्य से 2π ही देखेंगे। अब अर्थात हमारा समष्टि, हमारा प्रतिदर्श समष्टि है S बराबर यह अर्ध संवृत्त प्रतिदर्श समष्टि जिसमें शून्य है 2π नहीं है यह, एवं इस प्रतिदर्श समष्टि के सभी संभव अवयव इस यादृच्छिक
परीक्षण के परिणाम हो सकते हैं। इस प्रत्येक समष्टि के सभी संभव अवयव इस राजनीतिक परीक्षण के परिणाम हो सकते हैं। अब जितने प्रतिदर्श समष्टि हमने इससे पहले देखे हैं वे सब असंतत थे। यह एक संतत प्रतिदर्श समष्टि है, अर्थात यदि x कोई x इस प्रतिदर्श समष्टि का अवयव है तब इस x के परिवेश में कोई कि x के परिवेश में है वह भी इस प्रतिदर्श समष्टि का एक अवयव होगा। अभी तक जो प्रतिदर्श समष्टि हमने देखे थे उनमें प्रतिवेश अथवा जो x के प्रतिवेश अथवा नेबरहुड में थे वे सभी उस प्रतिदर्श समष्टि के उस समुच्चय के अवयव नहीं थे, किंतु अब यह इस समुच्चय S के अवयव होंगे। अब हमने एक संतत प्रतिदर्श समष्टि को समझ लिया है। अब प्रश्न यह है कि घटनाएं क्या होंगी अथवा हम एक घटना को किस प्रकार परिभाषित करेंगे। अब यदि हम इस प्रतिदर्श समष्टि की बात करते हैं, इस चक्र की बात करते हैं, इस चक्र पर घूमती हुई सुई की बात करते हैं, तब क्या हम इस संदर्भ में यदि हम इसे एक यादृच्छिक परीक्षण के रूप में देखें, तो हमने यादृच्छिक परीक्षण के रूप में पहले देखा था कि हम एक पासा फेंकने पर अथवा एक सिक्का उछालने पर कह सकते हैं कि चित आएगा, पट आएगा, एक आएगा, दो आएगा, चार आएगा। हम यह सब पासा फेंकने पर अथवा सिक्का उछालने पर कह सकते हैं, किंतु यहाँ पर क्या हम यह कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि यह है। इसे ध्यान में रखते हुए क्या हम घटना के रूप में यह कह सकते हैं कि कोण सटीक रूप से एक होगा, कोण सटीक रूप से दो रेडियन होगा, कोण सटीक रूप से ई रेडियन होगा, कोण सटीक रूप से पाई रेडियन होगा, क्या हम यह कह सकते हैं? हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते। हम केवल इतना कह सकते हैं कि हो सकता है कोण एक से दो के बीच हो। हम केवल यह कि कोण अथवा किन्हीं संख्याओं के असंतत प्रतिदर्श समष्टियों के समान, असंतत यादृच्छिक परीक्षणों के समान यह कहना कि कोण कोई एक संख्या, कोई एक मान धारण करेगा, अब हमारे लिए संभव नहीं रह गया है। अब यह देखते हैं कि हम अपेक्षित परिणाम को, हम जब घटनाओं की बात करेंगे तो हम घटना को इस रूप में परिभाषित नहीं कर सकते कि कोण कोई एक सटीक संख्या होगी, क्योंकि किसी एक सटीक संख्या की सटीकता वह अनंत होगी। जब हम यह कहेंगे कि कोण एक होगा तो उसका अर्थ है कोण 1.000000 यह होगा। यदि यह है तो यह एक नहीं है, इसमें कितने भी शून्य जोड़ लिए। हमें यह समझना होगा कि कोण के x होने का अर्थ
अर्थ कोण के एक्स के प्रतिवेश में होना नहीं है। कोण के एक्स होने का अर्थ कोण के एक्स के प्रतिवेश में होने का अर्थ नहीं है। एक्स यह सूत्र वैसे भी ठीक नहीं है क्योंकि यह एक संख्या है एवं यह एक अथवा यह एक चर है एवं यह एक समुच्चय है, किंतु जो हम सामान्य भाषा में प्रयोग करते हैं कि हमने 1.001 को भी एक कह दिया, हमने एक्स के प्रतिवेश के किसी भी बिंदु को हमने वह बिंदु कह दिया, वह गलत है। अब हम के रूप में घटनाओं को नहीं कर सकते, तो हम घटनाओं को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? यदि हम बिंदुओं के रूप में घटनाओं को परिभाषित नहीं कर सकते तो कैसे? इसका उत्तर हम पहले दे चुके हैं। असल में हमने एक कहा कि हम यह x नहीं है, किंतु हम यह कहने के स्थान पर x एक होगा, हम यह भी तो कह सकते हैं कि x एक के आसपास होगा। आप इन दोनों का अंतर तो समझ ही रहे होंगे। यह कहने के स्थान पर कि x एक होगा, x दो होगा, x e होगा, x पाई होगा, हम कह सकते हैं कि x एक के आसपास होगा, x e के आसपास होगा, x पाई के आसपास, x कहीं भी होगा। वह अब हम एक घटना को एक बिंदु अथवा बिंदुओं के समुच्चय पर प्रतिवेश अथवा प्रतिवेशों के सम्मिलन के रूप में परिभाषित करेंगे। हम घटनाओं को प्रतिवेशों एवं प्रतिवेशों के सम्मिलन के रूप में परिभाषित करेंगे। अब औपचारिक परिभाषा घटना की, अब हम औपचारिक गणितीय परिभाषा दे सकते हैं। एक घटना प्रतिदर्श समष्टि के अर्ध संवृत्त सेमी क्लोज्ड सबसेट्स का सम्मिलन यूनियन अर्थात का गणनीय सम्मिलन का गणनीय सम्मिलन अथवा काउंटेबल यूनियन होती है, अर्थात एक घटना E, क्योंकि हमने घटनाओं के लिए E ही प्रयोग किया है,
यह अर्ध संवृत्त समुच्चय हैं जहां AIPI सभी आई एक से एन फलस्वरूप एवं एक संतत प्रतिदर्श समष्टि के लिए घटना समष्टि उन सब उपसमुच्चयों ई का संग्रह है जो उपर्युक्त प्रतिबंधों का पालन करते हैं। अब हमने संतत प्रतिदर्श समष्टि को देख लिया, उससे जनित घटना समष्टि को समझ लिया। अब अगला चरण है प्रायिकता परिमाण। प्रायिकता परिमाण एक संतत दर्श समष्टि की किसी घटना ई के लिए परिमाण इस समाकलन समष्टि समाकलन समुच्चय ई के ऊपर प्रायिकता घनत्व फलन अथवा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। यह हमें किसी भी परिणाम पर उस घनत्व की उस परिणाम की प्रायिकता घनत्व बताता है। इसे हम विस्तृत रूप से कुछ समय पश्चात समझेंगे, किंतु हमें यह देखना हमारे लिए अभी यह समझना आवश्यक है कि अब किसी भी घटना की प्रायिकता असल में एक फलन का समाकलन है, समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन। यह एवं इसे इस समुच्चय ई के ऊपर समाकलित किया गया है, यह हमने देख लिया। अब जो कुछ हमने अब तक प्रायिकता परिमाण के विषय में जाना है उसके आधार पर यदि तब यह हम जानते हैं एवं अब यदि यह समुच्चय हो
तब समाकलन ए से बी ऋणात्मक अथवा ए से बी यह है? बी नीचे से इसे आप जैसे भी लिखना चाहें या जैसे भी बोलना चाहें यह है। अब मान लीजिए यह तब शून्य की ओर जाने के लिए प्रायिकता E सीमा डेल्टा शून्य की ओर इसे हम कह सकते हैं किसी भी एकल समुच्चय लिए एक संतत प्रतिदर्श हम तदुपरांत इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे अभी नहीं। अब हम संतत यादृच्छिक चरों को देखते हैं। हमारे लिए यह देखना सरल है कि अब x एक संतत यादृच्छिक चर है यदि किसी संतत प्रतिदर्श S के लिए यह एवं X संतत रूप से कोई भी मान धारण कर सकता है एक संतत रूप से कोई भी मान धारण कर सकता है। अब जिस प्रकार हम किसी घटना को प्रतिदर्श समष्टि में उसी प्रकार हम किसी घटना E के लिए E को इस रूप से परिभाषित कर सकते हैं कि E है घटना E है X मान लीजिए कि घटना E है किसी समुच्चय B का भाग हो तो उसी प्रकार हम E की प्रायिकता को परिभाषित कर सकते हैं यह प्रायिकता घनत्व फलन पीडीएफ है यह एक्स का प्रायिकता घनत्व फलन है एवं जो हमने प्रतिदर्श समष्टियों के लिए घनत्व फलन परिभाषित किया था उसे समझने में हमारी सहायता करेगा। हम मुख्य रूप से मूल रूप से हम घनत्व फलनों की बात संतत यादृच्छिक चरों के संदर्भ में ही करेंगे एवं
हम यही देखेंगे। अब यह x का घनत्व फलन है, x का प्रायिकता घनत्व फलन है। अब हम इसके कुछ गुणधर्म देखते हैं। हम जानते हैं कि एक यादृच्छिक चर चर का सहप्रांत अर्थात कोई मान धारण करेगा, अर्थात यह x R में ही कोई मान धारण करेगा। अर्थात यदि हम कहें कि x का माइनस अनंत से अनंत के बीच होना एक निश्चित घटना है, अर्थात यह प्रायिकता बंटन फलन का हमारा पहला गुणधर्म है कि उसका माइनस अनंत से अनंत के बीच उसका समाकलन सदैव एक ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार प्रायिकता बंटन फलन सदैव ऋणात्मक रहेगा, प्रायिकता बंटन फलन सदैव ऋणात्मक रहेगा, जिसे अंग्रेजी में नॉन नेगेटिव कहते हैं। तीन, प्रायिकता अब यदि तब अर्थात जिस प्रकार एक संतत प्रतिदर्श समष्टि में के संदर्भ में एकल घटनाओं का होना संभव नहीं है अथवा एकल समुच्चय रूपी घटनाओं का होना संभव नहीं है, उसी प्रकार एक संतत यादृच्छिक चर का कोई एकल मान धारण करना एक असंभव घटना है जिसकी प्रायिकता शून्य है, एक असंभव घटना है जिसकी प्रायिकता शून्य है। अब यदि हम बंटन फलन को देखें, हमने बंटन फलन के गुणधर्म समझे थे, अब हम संतत यादृच्छिक चरों के संदर्भ में यदि बंटन फलन को देखें तो बंटन फलन का अर्थ है प्रायिकता, अर्थात यह हम बंटन फलन को घनत्व फलन के समाकलन के रूप में भी देख सकते हैं। तत्स्वरूप हम घनत्व फलन को, प्रायिकता घनत्व फलन को बंटन फलन के कलन अथवा डिफ्रेंसिएशन के रूप में भी देख सकते हैं।
अब बंटन फलन क्या है, आज का व्याख्यान समाप्त करने से पहले हम यह देख लेते हैं। मान लीजिए कि एप्सिलन छोटा है एवं एफ एक्स ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पर संतत है, तब इस यादृच्छिक चर एक्स के ए के प्रतिवेश अथवा ए के एप्सिलन बटे दो कम ए जमा एप्सिलन बटे दो इस प्रतिवेश में होने की प्रायिकता यह है। अर्थात अब यदि एफ एक्स 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 बराबर ए पर संतत है, तब हम यह मान सकते हैं कि बहुत छोटे अंतराल एप्सिलन के लिए एफ एक्स एक्स अचर रहेगा। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं एफ एक्स ए क्योंकि यह x का फलन नहीं रह गया, यह एक अचर है एफ एक्स ए। अर्थात यह x के प्रायिकता बंटन फलन x के एक बहुत छोटे प्रतिवेश में होने की प्रायिकता का एक माप है। यह प्रायिकता नहीं है, यह प्रायिकता केवल तभी बनेगी जब हम इसे उस प्रतिवेश एप्सिलन से गुणा करेंगे। यह केवल उस प्रायिकता का एक माप है। अथवा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो कि हमारे कलन के प्रथम सिद्धांत द्वारा दिया गया सूत्र है, यह उस बहुत छोटे प्रतिवेश में होने की प्रायिकता का एक माप है।